कोडरमा पुलिस ने तिलैया डैम से अपहृत बिलास महतो और उसके नाते नीतीश कुमार को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि जमीन कब्जा करने की नीयत से भिखारी महतो ने अपने चार पुत्रों के साथ मिलकर अपने बनोई और उसके नाती का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया था, जिसके बाद बिलास महतो और उसकी नाती नीतीश कुमार को अपहरणकर्ताओं ने जमकर पिटाई की और उसे अपने साथ जंगल ले गए। हालांकि समय रहते पुलिस ने तत्परता दिखाई और पुलिसिया दबिश के कारण अपहरणकर्ताओं ने अपहृत विलास महतो और उसके नाती नीतीश कुमार को जंगल में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अनदीप सिंह ने बताया कि घटना को लेकर बरही पुलिस और कोडरमा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपहरित विलास महतो और उसके नाते नीतीश कुमार की सकुशल बरामदगी की गई। उन्होंने बताया कि समय रहते पुलिस ने अपहरित विलास महतो और उसके नाते नीतीश कुमार को बरामद कर लिया है। कल जो है कोडरमा का तिलैया डैम ओपी थाना क्षेत्र है, वहाँ पर दो लोगों का अपहरण कर लिया गया था, रामविलास महतो और उनके नतनी है नीतीश कुमार का। तो इसके उद्भेदन और त्वरित कार्रवाई के लिए तीन टीमों का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सीआई माइका अंचल श्री निरंजन उराव कर रहे थे। टीम के द्वारा आसूचना संकलन करते हुए और छापामारी की गई तो पता चला कि एक जंगल है बरही में, वहाँ पे इन लोगों को छिपा के रखा गया है और इनका स्थान भी बदला जा रहा है। तो उस जंगल में कॉम्बिंग अभियान चलाया गया तो वहाँ से इनकी दोनों अपहृत जो थे उनकी सकुशल बरामदगी की गई है। मेरा पुराना बना हुआ था, ससुर का जमीन दिया हुआ है, क्योंकि तो वहाँ पर जब गए तो इन लोग राइफल और लाठी उठी लेकर जो हम लोग को चौपटी से कैच कर लिया, तो हमारे साथ नाते भी थे। अब जो कैच कर लिया तो बोला कि तुम सीढ़ी पर से जहाँ नीचे उतरा तो दाद गए, हम बोले कि कहा दागोगे, हम धीरे धीरे उतरे, तब तक अभी खाली मारते इधर से मैंने करप कर कर करके और ठेल दिए। हमारे साथ पीयूष जुड़ चुके हैं, आपको बता दें कोडरमा से पीयूष सीधे जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरह से पुलिसिया एक्शन हुआ है और निश्चित तौर पे इसी दबाव के कारण अपहरणकर्ताओं ने बिलास महतो और उसके नाते नीतीश कुमार को मतलब कि छोड़ना पड़ गया उसे, नहीं तो कुछ ऐसी घटना भी घट सकती थी जो बुरी खबर है उसे भी वो भी आ सकता था, लेकिन पुलिसिया दबिश के कारण ये जिस तरह से अपहरणकर्ता वहाँ जंगल में छोड़कर भाग गए, निश्चित तौर पे यहाँ पुलिसिया एक्शन सीधे सीधे नजर आया और उसके बाद सकुशल बरामदगी हुई है। जी जी अनिल, बिल्कुल मैं बता दूं कि ये घटना 7 तारीख के सुबह की है, जब बिलास महतो जो है वो अपने ससुराल की ओर टहलने के लिए गए हुए जो कांटे स्थित है, वहां पर उनके साले जो है भिखारी महतो, उन्होंने जो चूंकि एक जमीन से जुड़ा मामला है तो उन्होंने बिलास महतो उनके नाती को बाजबरन अपने पुत्रों के साथ मिलकर के मारपीट शुरू की और उन्हें कहीं अपने गाड़ी में बिठा करके कहीं अनजान जगह लेकर के चले गए। हालांकि सूचना को मिलते ही पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ गई और हम कह सकते हैं कि पुलिस की तत्परता है की वजह से ही जो है सो दोनों नाना नाती बिल्कुल सकुशल बरामद हुए हैं। अब पीयूष, जंगल में देखिए लगातार पुलिस की ओर से जंगल में तलाशी की जा रही थी, पुलिस ने किस तरह से एक तरह से प्लान बनाया, किस तरह से प्लान बनाया और कैसे इसको पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि सकुशल बरामदगी हुई और इसके पीछे कॉम्बिंग ऑपरेशन, अगर बात करें कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात की जा रही है तो निश्चित तौर पे पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन के द्वारा अपहरणकर्ताओं को छोड़ने पर मजबूर कराया। हालांकि निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में अब जो भी अपहरणकर्ता है उसे भी गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। जी 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 अनिल, मैं बता दूं कि बिल्कुल पुलिस ने की तत्परता यहाँ पर साथ देखी गई। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, जो यहाँ के एसपी हैं अनुदीप सिंह, वो तुरंत एक्शन मोड में आ गया। तुरंत उन्होंने तीन अलग अलग तरह के टीम का गठन किया, जिसमें क्यूआरटी, एसटीएफ और जो टेक्निकल टीम है वो तीनों एक्शन मोड में आ गई और तीनों, हालांकि तुरंत उसके बाद जो भिखारी महतो है उनके एक छोटे पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ किया। हालांकि शुरू में उसने काफी बरगलाने की कोशिश की, वो सही जगह नहीं बता पा रहा था कि वो अपहरण करके अपने
फूफा को किधर किस ओर लेकर के गए हैं। काफी मशक्कत के बाद आप कह सकते हैं कि लगभग ये ऑपरेशन सुबह 7 बजे शुरू हुई और देर रात तक चली और आखिरकार बरही के पास जो कौलेश्वरी पहाड़ है वहां से दोनों को सकुशल बरामद किया गया। पीयूष, बिलास महतो के घर में एक तरह से खुशी का माहौल निश्चित तौर पे होगा क्योंकि सकुशल बरामदगी हुई है और अपराधियों के चंगुल से पुलिस ने एक तरह से छुड़ाया है। घर का माहौल किस तरह से वहां नजर आया? बिल्कुल अनिल, मैं बता दूं कि जो पिछले जो 2-3 मामले कोडरमा में अपहरण के हुए हैं जिसमें हालांकि मामले का उद्भेदन तो हो गया लेकिन सकुशल बरामदगी नहीं हुई। हाल में ही आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन पहले की घटना है कि एक ड्राइवर था जो कि यहाँ से उसे अपहरण कर लिया गया था, हालांकि उसको 2-3-4 दिन के बाद उसका शव बरामद हुआ था। और ऐसे में जो परिजन है इस घटना के बाद काफी ज्यादा चिंतित थे कि कहीं उनके परिवार के साथ भी इस तरह की घटना अप्रिय घटना न घट जाए, पर ऐसे में जब पुलिस ने सकुशल बरामद किया है तो पूरे घर में खुशी का माहौल है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखिए किस तरह से आने वाले समय में अपहरणकर्ताओं को पुलिस किस तरह गिरफ्तार करेगी, ये पुलिस अब इसकी रणनीति तैयार कर रही है। आपको बता दें कि अपहरित दो लोगों को सकुशल पुलिस ने बरामद किया है।